शाहपुर पुलिस और स्वात टीम को उस समय कामयाबी मिली जब 3 अंतरराज्यीय लुटेरों को उसने अपनी गिरफ्त में ले लिया। लूट का सामान खरीदने वाले एक शख्स के साथ तीनों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए तीनों अभियुक्त गोरखपुर के चिलवाताल थाना अंतर्गत चिरौतवा के निवासी हैं और सामान खरीदने वाला महेश जाधव पीपीगंज का रहने वाला है। इन चोरों के पास से 6 सोने की चैन, 1 सोने की अंगूठी और 1 मंगलसूत्र के साथ साथ 10,000 रुपये और 2 तमंचा और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने पूरे घटना का विवरण देते हुए बताया। चैन स्नेचर्स का गैंग है, इसको गिरफ्तार किया गया है। इसमें शिवमल उर्फ साहमल, इसके ऊपर पूछ से 15,000 का इनाम, गौतम जसवंत, प्रभुमन और महेश, ये 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस साहमल की एक चेन स्नैचिंग के दौरान फुटेज भी प्राप्त हुई थी अपने एक साथी के साथ में और पूर्व से मुकदमे में वांछित चल रहा था, आज इसको गिरफ्तार किया गया। ये पूर्व में भी जनपद सिद्धार्थ नगर से जो इसने पूछताछ में बताया, ये जेल जा चुका है और इसके साथ यहाँ पर इसके एक साथी का नाम और प्रकाश में आया है जिसने घटना में बताया कि उसके साथ था। ये लोग मोटरसाइकिल, जो अलग अलग तरह की मोटरसाइकिल है, कभी शाइन मोटरसाइकिल है और कभी होंडा जो है, कभी पल्सर, अलग अलग मोटरसाइकिल्स के ऊपर ये चेन स्नैचिंग्स करते थे। पूछताछ में इन्होंने ये भी बताया कि आसपास के जनपदों के अंदर भी इन्होंने चेन स्नैचिंग की है और उन जनपदों को भी सूचित किया गया, उनकी टीम ने पूछताछ की थी। ये आवश्यकता पड़ेगी तो इनका कस्टडी रिमांड लिया जाएगा। लगभग 6 सोने की चैन, 1 अंगूठी, 1 मंगलसूत्र, 10,000 रुपये इन लोगों से बरामद किए गए हैं, साथ साथ 2 तमंचे और 1 मोटरसाइकिल डिलक्स जो कि ये लोग लूट के अंदर इस्तेमाल करते थे, इसको बरामद किया। क्या पूरा संगठित गिरोह है? ये पूरा संगठित गिरोह है और इसके अंदर इन्होंने और भी साथियों के नाम बताए हैं। ये मूलतः चिलवाताल थाने के रहने वाले हैं और उस संदर्भ में इन्होंने और भी अपराधी पूछताछ में और भी अपराधियों के बारे में इन्होंने बताया है। शीघ्र जो इस तरह से एक्टिव क्रिमिनल्स हैं इस तरह की घटनाओं में, उनको भी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। लूट के माल बेचते थे? ये लूट का माल बेचते थे। इसके अंदर एक व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है, ये सोना गलाने का काम करता था और उसकी डिटेल्स हम लोगों को मिली थी। काफ़ी लंबे समय से हमारी क्राइम ब्रांच इसके अंदर प्रयासरत थी और उसी के अंदर इस गैंग का अनावरण किया गया।